रहे थे आज यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे पूछ जाता है और 10वीं क्लास में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। तो ये अवतल दर्पण हो गया, इसकी ये सतह क्या होगी, चमकीली होगी क्योंकि पॉलिश हमने पीछे की होती है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यहां पर इसका एफ हो गया, इससे दूरी दूरी पर ये इसकी वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और ये इसकी निश्चित दूरी है, अगर डॉट डॉट करके दिखा दे तो ये अनंत दूरी हो जाती है। तो यहां पर हम कंडीशन लेकर इसके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन लेंगे, जब बिंब, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, बिंब अनंत पर स्थित हो, जब अनंत पर, मान लो ये दूरी हम इसको अनंत मान लेते हैं, ठीक है, अनंत दूरी पर है ये, अनंत दूरी बना दी हमने, तो क्या होगा, यहां से जो भी किरणें चलेंगी वो कहां जाएंगी, वो चलेंगी एक तरह से एक दूसरे के समांतर, चाहे कितनी सी दूर, कितनी दूरी पर चले वो समांतर चलेंगी। और समांतर किरणें जब आती हैं तो गुजरती कहां से है, वो एफ से होकर गुजरती है, ये हमने कल नियम पढ़े थे। तो ये सारे सारे एफ पर से होते हुए गुजरेंगी, ठीक है। जब एफ से गुजरेंगी तो जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और ये बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहां, बिंब की स्थिति देखो, जब प्रतिबिंब यहां पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब और इधर को लिखेंगे बिंब, कैसा होगा। तो पहली बात, जब यहां पर ये कहां पे होगा, अनंत पर, तो बिंब कहां बनेगा, ये बनेगा एफ पर, कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब एक तरह से डॉट की तरह होगा, बहुत छोटा पॉइंट होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे ये जो बिंब है मतलब जो वस्तु है वो धीरे धीरे इस अवतल दर्पण की तरफ सरकेगी, ये प्रतिबिंब है वो धीरे धीरे इधर को सरकता चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन इसके साथ साथ ही ले लो। देखो अब ये अनंत दूरी पर नहीं, अगर हम एक निश्चित दूरी पर ले लें, जब बिंब अनंत व किसके बीच में हो, सी के मध्य, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में तो निश्चित दूरी आएगी, तो यहां पर हो तो क्या कंडीशन बनेगी। तो देखो इसके लिए फिर से हम एक ऐसा ही चित्र बनाएंगे, यहां पर ये अनंत, अनंत ये ले लो, ये इसका सी ले लेते हैं, ये इसका एफ ले लिया, ठीक है, ये इसका ओ बिंदु है। अब देखो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, तब तो क्या होगा, यहां पर तब देखो एक किरण हम चलने देंगे बिल्कुल सीधी, ये जो तो सीधी किरण है ये क्या जाएगी, इससे होते हुए इस सीधी बनाएंगे इसको बिल्कुल, इससे होते हुए ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। ये हमने एक किरण को गुजार दिया, हमेशा ऐसा ही होगा चाहे हम कोई सा चित्र बना लें, ये हो गया। दूसरी किरण हम गुजारेंगे बिल्कुल यहां से एफ से होते हुए, ये एफ से गुजरेगी, यहां से तिरछा हो गया इस तरह से, और यहां से गुजरने के बाद में ये किरण हो जाएगी बिल्कुल इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इस तरह चली जाएगी। अब जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस बिंदु पर, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो यहां पर ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा P डैश Q डैश। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रतिबिंब कहां था हमारा, अनंत व सी के मध्य, तो
हमारा प्रतिबिंब कहां पर बना? हमारा बना सी व एफ के मध्य। कैसा बना? उल्टा बना और वास्तविक बना, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। और इससे तो छोटा ही बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा होगा। अब देखो एक चीज और देखो इसमें, ये वास्तविक और काल्पनिक में क्या फर्क है? अगर ये जो हमारा बिंब है ये इस साइड में ही बनता है, लगभग दो किरणें जब मिलती हैं तो जो बनता है वो वास्तविक होता है, और ये नहीं मिलती और मिलती प्रतीत होती है। मान लो अगर हम इसको पीछे की ओर ले जाते यहां पर बनता तो ये बनता हमारा काल्पनिक, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, हमें वहां पहुंच गए थे अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में। अब तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, जब हमारा बिंब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो देखो यहां पर कैसे बनता है। तो इसके लिए मैं एक अवतल दर्पण बनाता हूं, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये इसका एफ हो गया, ये सी हो गया। इससे आगे का बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बिंब कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा बिल्कुल सीधी चलाएंगे, एक किरण यहां से जाने के बाद में ये गुजरेगी, बिल्कुल जो समांतर आ रही है वो एफ से गुजरती है, तो ये हमने एफ से इसको गुजार दिया, ठीक है। एक किरण चलती है बिल्कुल एफ से, और एफ से जाने के बाद में ये कहां से गुजरेगी? ये बिल्कुल इसके समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष से, तो ये यहां से गुजरेगी। ये दोनों किरणें इस प्रकार से जा रही है। अब जब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे, तो ये बिल्कुल यहां पर बनता है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह देखा जाए तो पी और क्यू क्या है हमारा बिंब में, तो यहां पर पी डैश क्यू डैश क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहां पर प्रतिबिंब, यहां पर एक तरह से ये उल्टा लिख रहे हैं, बिंब की स्थिति देखेंगे और ये हो जाएगा प्रतिबिंब। कैसे होगा? तो बिंब कहां है हमारा? बिंब है हमारा सी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब भी कहां पर होगा? सी पर स्थित होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और साइज क्या होगी इसकी? इसकी साइज होगी बिंब के बराबर, बिंब के बराबर। अब इस चीज से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मतलब बिंब नजदीक आ रहा है, प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, उल्टा तो है लेकिन बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, और ये यहां से इधर को खिसकता जा रहा है। चौथा कंडीशन ले लेते हैं, सी पर पहुंच गए, सी से आगे कहां पहुंचेंगे हम? सी से आगे पहुंचेंगे सी और एफ के मध्य, ठीक है। तो बिंब कहां पर होगा? बिंब सी व एफ के मध्य स्थित हो, तो देखो बिल्कुल ऐसे कैसे हम बनाएंगे अवतल दर्पण, यहां पर एफ होगा, यहां पर होगा सी, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब बिंब ले लेते हैं यहां पर, तो क्या होगा? यहां से एक किरण जाएगी बिल्कुल सीधी, जाने के बाद में ये एफ से गुजरेगी, ये गुजरेगी, ठीक है। और अब क्या होगा? एक किरण यहां से जाएगी, तो यहां तक आएगी, थोड़ा मोड़ के मैंने यहां तक आएगी, और जाने के बाद में ये इस तरह सीधी हो जाएगी। तो ये कहां जाकर मिली? ये यहां जाकर इनसे मिली, ठीक है। ये हमारा पी क्यू बिंब है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? पी डैश क्यू डैश। तो यहां से अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब बिंब हमारे कहां पे हो? सी व एफ के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कहां पर होगा? प्रतिबिंब होगा सी व अनंत के मध्य, सी व अनंत के मध्य। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा व बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन इससे लगभग दोगुना तीन गुना इस तरह से हो सकता है, आवर्धित नहीं होगा। आवर्धित का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, जैसे एक सुई है उसको हम एक किलोमीटर लंबा या बड़ा देख रहे हैं ना, तो वो आवर्धित हो जाता है, लेकिन यहां पर ये दिखेगा इससे दोगुना तीन गुना साइज में, ठीक है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन देखते हैं,
कौन से नंबर की है? लगभग छठे नंबर की है ना। देखो हम पहुंच गए थे एफ तक, अब हम चलेंगे एफ से आगे, नहीं एफ पर ही चलेंगे शायद। देखो कौन से नंबर की है, हाँ मुख्य फोकस पर चलेंगे है ना। तो जब प्रतिबिंब, जब बिंब, बिंब एफ पर स्थित हो, ठीक है। देखो एफ पर स्थित होगा तो क्या होगा, ये मैं बना रहा एक अवतल दर्पण, ये मैंने इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसका एफ है और ये इसका सी है, इससे आगे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो जब हमने इस पी क्यू को यहां पर बनाया तो बिल्कुल वही सत्य है, एक किरण से लेगी बिल्कुल सीधी, जाने के बाद ये एफ से गुजरेगी, ये गुजर गई। दूसरी किरण कैसे चलेगी, यहां से चलेगी और जिस बिंदु पर जाकर टकराए वो उसी कोण से निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों किरणें क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। समांतर हो गई तो ये कहां पर जाकर बनेगा, दो समांतर किरणें कहां जाकर मिलती हैं, वैसे तो मिलती नहीं है लेकिन हम मानते हैं वो अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो यहां पर जब बिंब, कहां एक मिनट इसको हम नाम देते हैं बिंब का पी क्यू, ठीक है। तो यहां पर ये कहीं पे जाकर नहीं बनेगी, लेकिन ये हम इसको मान लेते हैं कि जब बिंब कहां पर है, एफ पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। ये किस कंडीशन के लिए है, जब हमारा बिंब कहां पर स्थित होगा, एफ पर स्थित होगा, तो ये कंडीशन होगी। अब पांचवा होगा चाहिए, अब छठा देखो, छठी कंडीशन में देखो क्या होगा, हम इसको कहां ले गए थे, अभी तक एफ तक पहुंचे, अब एफ और ओ के मध्य ले जाते हैं, मतलब ध्रुव के मध्य बिंब एफ फोकस वे ध्रुव ओ के मध्य। तो इसके लिए देखो ये इसका एफ है, सी बनाने की जरूरत नहीं है, ये ओ है, हमने इसको उठाकर रख दिया यहां पर, तो ये हमारा पी है, ये क्यू है। तो जब इससे एक किरण चलेगी तो इससे टकराने के बाद में ये किरण कहां जाएगी, ये गुजरेगी एफ से, ठीक है। और दूसरी किरण तो आप जानते ही हो कि जब ये यहां से चलती है तो ये उसी कोण से आगे चली जाती है। इसका मतलब ये देखो, यहां पर ये किरण यहां पर इस तरह से खुल रही है, तो मतलब ये कहीं पे नहीं मिलेगी। तो हम इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं, इस तरह से इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये किसी न किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करती है, और हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाएं तो इस बिंदु पर जाकर मिल रही है, तो इनको हम इस तरह से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा पी डैश, ये क्यू डैश, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो कैसा बना, तो यहां पर देखो जब हमारा बिंब एफ या ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर बिंब इसे लिख रखी है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां पर कहां पर बनेगा, ये बनेगा इस अवतल दर्पण के पीछे की ओर, तो दर्पण के पीछे की ओर, ठीक है, दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है, आपको दिख रहा है यहां पर। कैसा होगा, ये होगा वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक तो होता तो इन किरणों से बनता, यहां पर ये डैश डैश से बन रहा है और पीछे की ओर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ये काल्पनिक होगा, ठीक है। कैसा होगा, सीधा होगा, क्यों जैसा हमको बिंब दिखाई दे रहा है वैसा वैसा ये हमको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और कैसा होगा साइज में, इससे देखो कितने गुना बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आवर्धित, ठीक है। तो ये हमारी छह कंडीशन थी, अब ये हमारी थी अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बनाते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा अंतर होता है वहां पर,
तो उससे संबंधित एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप आसानी से इनको बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब उत्तल दर्पण की तरफ चलते हैं। देखो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण बनाते हैं पहले कैसा होता है। एक दर्पण ले लेते हैं इस तरह से, इसकी अंदर की सतह को अगर पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल वैसे वैसे ही यहां पर हम इधर को, इसका एफ होता है देखा जाए तो एफ इधर को ही होगा, क्यों? क्योंकि इसका वक्रता केंद्र भी इधर को ही होगा, ये हो गया। ठीक है, हाँ हम यहां पर बिंब को किधर रखेंगे, हम बिंब को इधर रखेंगे। तो मान लेते हैं इससे इतनी दूरी पर यहां पर एफ ये सी और ये इसके मध्य की दूरी और ये अनंत पर। तो पहली कंडीशन लेते हैं, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इसकी। तो अनंत पर देखो, मान लो अनंत ये है, यहां पर कोई बिंब मौजूद है, यहां से ये जब किरणें चलती हैं तो कैसे चलेंगी, यहां पर जो किरणें आएंगी वो कैसे आएंगी, एक दूसरे के समांतर आएंगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पर मान रहे हैं कि इससे आने वाली सारी किरणें लगभग समांतर हो जाती हैं। तो समांतर किरणें कहां से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से, तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन इधर को तो कुछ गुजरेगा नहीं ना, तो हम यहां से इसको गुजरता हुआ दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं, ये यहां से टकराने के बाद में इधर को सीधी हो जाती है। तो ये एक तरह से यहां पर ये फैल जाती है उल्टी, इससे टकराने के बाद में ये फोकस फैल जाती है, किरणें फैल जाती हैं। तो ये वैसे तो वास्तव में तो ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, लेकिन ये मिलती हुई कहां पर प्रतीत होंगी, इस एफ बिंदु पर। ठीक है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कितना छोटा बनेगा, मान लो हम इसका ऑब्जेक्ट का नाम पी क्यू दे देते हैं, तो ये बन जाएगा, सीधा ही बनेगा, तो ये पी डैश ये क्यू डैश। तो जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां पर लिखते हैं देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, पहले तो ये लिखेंगे हम दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा क्योंकि डैश डैश लाइन से बना हुआ है, तो इसको बोलेगा काल्पनिक। साइज कैसी है इसकी, बहुत छोटी है। ठीक है, तो बहुत छोटा मतलब बिंदुवत, बिंदु के जैसा होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, अब हम कहां रखें इसको, अब हम इसको रख देते हैं सी और अनंत के मध्य, जब बिंब सी व अनंत के मध्य हो, सी क्या है, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो इसके लिए देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनाएंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे कैसे, यहां पर मान लेते हमने इसको यहां रख दिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये P, ये Q, ये इसका F हो गया और ये C हो गया। जब यहां से निश्चित दूरी पर है तो यहां पर किरणें बिल्कुल वास्तव में जाएंगी, ये नहीं, ये जाने के बाद में हमें प्रतीत होगी F से गुजरते हुए, लेकिन वास्तव में ये इधर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण कहां से गुजरेंगे हम, दूसरी किरण जो हम लेके चलेंगे वो F से गुजरती है, हमने पहले देखा था कि हम दूसरी किरण को F से गुजारेंगे। तो देखो यहां सीधी बनाने इसको, इसके बाद में ये आगे हम डैश डैश से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो किरण है एफ से गुजरने के बाद में क्या होगा, सीधी हो जाती है, तो ये तो हो जाएगी सीधी वापस। तो देखा जाए तो ये कहीं पे भी ये किरणें तो वास्तव में तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, लेकिन ये पीछे की ओर, ये किरण पीछे की ओर इस तरह से एक एफ से पहले पॉइंट पर मिल जाती है यहां पर। ठीक है, मेरे चित्र सही नहीं बना, ये एफ से पहले ही बिंदु पर मिल जाती है। ये साइज में तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पी क्यू बिंदु बना रहा हूं, तो साइज में तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, लेकिन रियल में इससे ये छोटा ही होगा। तो ये दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, दर्पण के पीछे कैसा होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा और छोटा होगा, है ना।
तो इसमें और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होगा कि ये तो ऐप पर बनेगा और ये इस पर तो ऐप पर बनेगा, ये ऐप से थोड़ा सा पहले बन जाएगा, थोड़ा सा, ये जितने नजदीक आएगा उतना इधर को सरकता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे इसको सरकाएंगे इधर को सरकता हुआ चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता हुआ यहां तक बनेगा। लेकिन एक कंडीशन आती है, जब हम इसको बिल्कुल एफ और ध्रुव या फिर ध्रुव पर ही रख लेते हैं, या फिर ध्रुव ये एफ और ओ बिंदु के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन के लिए मैं बोर्ड बिठाता हूं पहले। तीसरी कंडीशन, जब बिंब एफ व ध्रुव ओ के मध्य एफ है फोकस मुख्य फोकस और ओ है ध्रुव। तो देखो बनाते हैं, ये है एक उत्तल दर्पण, ये हमने क्या खींच दिया इसका मुख्य अक्ष, तो ये इसका एफ हो गया और ये हो गया सी। हम यहां पर देखो इतनी दूरी पर हम एफ बना लेते हैं और ये हो गया सी। तो हम कहां रखने जा रहे हैं इसको, हम रखने जा रहे हैं इसके मध्य में, ये रख दिया हमने, क्या है ये पी क्यू। अब क्या होगा, हम इससे दो किरणें लेके चलेंगे, दो किरणें कहां लेके चलेंगे, एक किरण तो ये चल रही है, ये कहां से गुजरेगी, ये हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन पीछे की ओर तो किरण जाएगी नहीं, तो हमें जाती हुई प्रतीत होगी। तो क्या होगा, ये किरण टकराकर इधर चली जाएगी, दूसरी किरण आ जाएगी, दूसरी किरण जाएगी इधर को, और जाने के बाद में ये किरण क्या होगी, इस दिशा में चली जाएगी, है ना, क्योंकि यहां तो एक बिंदु की तरह काम करेगी ना, और यहां से जाने के बाद में इधर चली जाएगी, तो इसका मतलब कहीं पे बंद तो नहीं दिखा, तो ये किरण हम इसको पीछे की ओर लेके जाते हैं। तो ये दोनों किरणें कहां पर मिली, ये इस बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है। तो साइज कैसी होगी इसकी और कहां पर बनेगा, ये आप इसकी कंडीशन को देखकर बता सकते हो। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब एक तो सीधा होगा, काल्पनिक होगा, छोटा होगा, सीधा है, काल्पनिक है, छोटा है, ठीक है। और इसकी स्थिति कहां पे है, कहां पे मौजूद है, ये है मुख्य फोकस एफ व ओ के मध्य दर्पण के पीछे की ओर, देखा जाए तो मेरे को डैश नाम में ज्यादा सही रहेगा, ओ डैश एफ डैश है ना, तो ये एफ डैश ही है, एफ डैश, तो यहां पर ये बनेगा, ठीक है। आप जहां पे चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम इस पी बिंदु को, ये पी क्यू को उठाकर हम सी व एफ के मध्य रखते, तो ये जो दर्पण में, ये जो दर्पण के कहां पर बनेगा, ये जगह बताएं इसकी, कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।